तिहाड़ जेल की रिपोर्ट झूठ का पुलिंदा है। क्यों है मैं आपको बताता हूं। किसी भी शुगर के मरीज से, किसी भी डायबिटीज के स्पेशलिस्ट से आप पूछिए कैसे शुगर रिकॉर्ड की जाती है, कैसे मॉनिटर की जाती है। आप सुबह सुबह उठेंगे तो आपकी फास्टिंग की शुगर देखी जाती है। आपने नाश्ता किया, उसके दो घंटे बाद क्या शुगर वापस नीचे आ गई, ये नापा जाता है। आपने लंच किया, उसके दो घंटे बाद क्या शुगर नीचे आई, ये देखा जाता है। अरविंद केजरीवाल जी की जो रिपोर्ट दी गई, जो हमने कल मीडिया से शेयर की गई, वो वास्तविक रिपोर्ट है, क्योंकि उनके यहां पे एक डायबिटीज नापने का मीटर लगा हुआ है, 24 घंटे डायबिटीज नापी जाती है उनकी। तिहाड़ जेल की जो डायबिटीज की रिपोर्ट है उसमें कलाकारी की गई है। आप समझिए, कोई भी आदमी जिसको डायबिटीज होती है उसकी शुगर खाने के बाद बढ़ती भी है और थोड़ी देर बाद 3-3.5 घंटे के बाद वो इतनी गिर जाती है कि उसकी वजह से भी वो आदमी बेहोश हो सकता है। तभी उसको मीठा खाने के लिए कहा जाता है, तभी उसकी जेब में ग्लूकोज होता है, तभी उसको पानी में घोल के चीनी पिलाई जाती है। इस रिपोर्ट के अंदर, उनकी जो रिपोर्ट दी गई है उसमें रैंडम शुगर नापी गई है, यानी कि जब शुगर कम हो जाती है वो शुगर लगा के दे दी गई है। ये हास्यास्पद रिपोर्ट है, झूठ का पुलिंदा है और अरविंद केजरीवाल जी को मारने का षड्यंत्र है।